हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नीट इको फिजिक्स के पेपर नंबर 7 के सॉल्यूशंस में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से गया होगा और मैं आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स की कामना करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना कोई समय को ज़ाया करें हम आइए देखते हैं इस फिजिक्स इको नंबर 7 के सॉल्यूशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल्ड देन इंटेंसिटी लेवल चेंजेस फ्रॉम L1 टू L2 वेयर। यानी हमने क्या किया है कि ध्वनि की तीव्रता को दुगना कर दिया है और अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो तीव्रता का स्तर है वो L1 से L2 हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिट्स लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं डेसीबल में, यानी यहाँ पर तीव्रता का मतलब हमारा प्रबलता से है। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास शुरुआत में तीव्रता अगर I1 थी तो इसके बाद में जो हमारी तीव्रता है वो बदल के कितनी हो गई है, 2I1। ठीक है, अब हमारे पास प्रबलता का सूत्र क्या होता है, प्रबलता का सूत्र हमारे पास में होता है, सपोज L1 ले लेते हैं हम, तो 10 log, इसका बेस हम जानते हैं 10 होता है, तो I1 डिवाइड बाई I0। ठीक है, तो दूसरे केस में हमने क्या किया बच्चों, L2 जो है वो कितनी कर दी है हमने, 2I1 के बराबर कर दी है, तो यानी इसका मतलब है ये कितना हो गया है, 2I1 डिवाइड बाई I0। ओके, अगर अब मैं इस L2 में से L1 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, मैं इस L2 में से इस L1 को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास आएगा 10 log 2I1 डिवाइड बाई I0, जो डेली तीव्रता जिसको हम बोलते हैं, माइनस 10 log I1 डिवाइड बाई I0। ठीक है, अब हम जानते हैं log m माइनस log n कितना होता है, log m बटे n, तो L2 माइनस L1 ये हमारे पास में हो जाएगा 10 log। तो जब हम ये इसमें से इसका भाग देंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास केवल बचेगा 2, और log 2 जब बेस 10 हो बच्चों तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं होती है 0.3010। हम दो इसके शुरुआत के डिजिट ले लेते हैं तो 0.30, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 3। तो यानी L2 माइनस L1 जो है वो 3 decibel जो है हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन मीडियम। तो बच्चों मीडियम के ऊपर फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति है माध्यम के ऊपर वो निर्भर नहीं करती है, माध्यम के ऊपर वेग निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है, आयाम निर्भर करता है, लेकिन जो आवृत्ति है वो केवल तरंग स्रोत पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स इन एयर आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी हाई। नहीं, ऐसा नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। क्या बहुत सारी गैसेस के मिश्रण के कारण ऐसा है, बिल्कुल नहीं। एयर डज नॉट हैव मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी अपर ओपन गुणांक हवा के पास में एयर के पास में नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप तरंग अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य की या ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो हम जानते हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, यानी माध्यम को दबाती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्स कर देती हैं। तो क्योंकि वायु के कणों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई रिजिडिटी नहीं होती है, दृढ़ता नहीं होती है, इस वजह से वो बड़े आराम से क्या हो जाती हैं, दब सकती हैं और फिर रिफ्लेक्स हो सकती हैं। तो इसका यही ऑप्शन होगा बच्चों, ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य इसलिए होती हैं क्योंकि वायु में अपर ओपन गुणांक यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन भी इसी हिसाब से हम रॉन्ग कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 4th ऑप्शन है, फॉर द वेव शोन इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इफ द स्पीड इज 320 meter per second। हमें एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, एक तरंग की हमारे को एक ग्राफ दे रखा है तरंग के संचरण के लिए। इसमें हमसे कहा है कि अगर तरंग की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है तो हमें बताना है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति कितने होंगे।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, ये एक वाइब्रेशन जो होता है वो लैम्डा का होता है। तो यहां पर कितने वाइब्रेशन है, एक, दो और ये आधा, यानी 2.5 लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जो है बच्चों हमारे को दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो लैम्डा का मान है, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 10^-2। तो लैम्डा का मान बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 × 10^-2, ये मीटर में ले लिया है हमने, और 2.5 लैम्डा का मान 2.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25×8 × 10^-2, ये हमारे पास जो आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो सेंटीमीटर में बच्चों इसका मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लैम्डा का मान हमारे पास कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम अगर इसकी आवृत्ति भी निकालना चाहें तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी, तो हम जानते हैं f किसके बराबर होता है बच्चों, f होता है v बटे लैम्डा। तो v हमारे को दिया हुआ 320, और लैम्डा का मान जैसा कि अभी हमने निकाला था 8×10^-2 मीटर में, 10^-2। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8×32 = 40, और ऊपर ये 40×10^2। तो 40×10^2 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4000 हर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 8 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य आ गई, और हर्ट्स के अंदर आवृत्ति जो है 4000 हमारे पास आ गई, जो हमारे पास इस ऑप्शन में है, 8 सेंटीमीटर और 4000 हर्ट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। एक अनुप्रस्थ तरंग रस्सी के अनुदिश बाएं से दाएं चल रही है, इस तरफ चल रही है। चित्र में किसी क्षण पर रस्सी की आकृति को दिखाया गया है, इस क्षण पर निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा, गलत कथन हमें छांटना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस तरंग के लिए, इसके लिए इसकी कुछ डेल्टा टी समय के अंदर अगली स्थिति को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ बच्चों, कुछ इस तरीके से हमारे को ये स्थिति मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये ए बिंदु है, अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएं, डी ई एफ का वेग धनात्मक ऊपर की ओर है। तो देखिए बच्चों, ये जो डी स्थिति हमारे पास में है ये यहाँ पर है, और अगली स्थिति इसकी कहाँ मिल रही है हमें, ऊपर। ई की स्थिति भी कहाँ मिल रही है, ऊपर। एफ की स्थिति भी कहाँ मिल रही है, ऊपर। यानी इनके जो वेग है, ये तरंग जो है वो नेक्स्ट डेल्टा टी समय के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इसके जो वेग हैं डी ई एफ, ये तीनों ही धनात्मक ऊपर की तरफ है, यानी ये कथन हमारा सत्य है। बी और एच के वेग ऋणात्मक है, तो बी अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी नेक्स्ट स्थिति आएगी यहाँ पे, और एच की तरफ अगर हम देखें तो एच की स्थिति भी नेक्स्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो इसका मतलब बी और एच बिल्कुल सही बात है, ऋणात्मक नीचे की ओर है। बिंदु सी तथा जी पर वेग शून्य, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये इन बिंदुओं पर जो वेग होते हैं वो बिल्कुल शून्य होते हैं हमारे पास में। एग्जैक्टली इस पर कट करके जाती हैं, ठीक है ना, ये इसको एग्जैक्टली यहाँ पर कट करके जाती है। बिंदु ए तथा जी ई का वेग न्यूनतम है, ए तथा ई का वेग। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इन पर वेग न्यूनतम नहीं है, हमें कुछ ना कुछ वेग यहाँ पर मिल रहा है। वेग न्यूनतम हमारे को मिल रहा था यहाँ पे, ए पर भी यही स्थिति है। तो हमारे को ए और जी बिंदुओं के ऊपर वेग क्या मिलेंगे, न्यूनतम मिलेंगे, शून्य मिलेंगे। बाकी बिंदुओं पर हमें वेग कुछ ना कुछ धनात्मक या ऋणात्मक दिशा के अंदर अवश्य मिलेंगे। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वो होगा बिंदु ए तथा ई पर वेग न्यूनतम है, ये कथन गलत है, क्योंकि ए तथा वी ई पर जो वेग है वो न्यूनतम नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक तरंग जो प्लस एक्स दिशा के अंदर संचरित है, जिसका वेग 330 m/s है, आवृत्ति 110 हर्ट्ज है, तथा आयाम 0.05 मीटर है, इसकी समीकरण क्या होगी। तो बच्चों जैसा कि हमें दे रखा है कि इसका आयाम जो है वो 0.05 मीटर है, इन सभी के अंदर आयाम 0.05 मीटर है। आवृत्ति जो है वो हमें दे रखी है 110 हर्ट्स। तो अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ओमेगा का मान होता है हमारे पास 2πf। तो यानी ये हमें ओमेगा का मान मिलेगा, और आयाम हमें दिया हुआ है 0.05, तरंग प्लस एक्स दिशा के अंदर संचरित है। अगर हम लैम्डा का मान भी निकाल लें बच्चों, तो लैम्डा हमारे पास में होता है वी बराबर एफ लैम्डा के हिसाब से, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, वी बाई एफ। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, वी हमें दिया हुआ है 330, और ये दिया हुआ है हमें
110। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा v बटे f के हिसाब से 3। तो बच्चों k का मान कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, इसका मतलब 2 पाई बाय 3। तो अगर मैं समीकरण में रखूं y बराबर a साइन यानी 0.05 साइन ओमेगा t, ओमेगा को मैं 2 पाई f, f की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 110, 2 पाई अगर हमने कॉमन ले रखा है तो हमारे पास ये हो जाएगा 110 t, और प्लस x दिशा में संचरित है इसलिए माइनस, और 2 पाई बाई लेमडा, के एक्स होता है, k की जगह हमें 2 पाई बाई लेमडा ये रखना है, लेमडा का मान 3 है तो मैं इसको 2 पाई बाई 3 रख सकता हूँ, 2 पाई हमने कॉमन ले रखा है तो मैं रख सकता हूँ x बटे 3, करेक्ट। तो हमारे पास जो समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी 0.05 साइन 2 पाई 110 t माइनस x बटे 3, यानी हमारे पास में जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो एक सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल दे रखा है हमारे को, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड फॉर अ पर्टिकुलर साउंड इन एयर, अ पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू द फेज डिफरेंस ऑफ 1.65, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज। तो चलिए बच्चों पहले हम देखते हैं पाथ डिफरेंस ऑफ वेव, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फेज डिफरेंस होता है 1.65 वो किसके बराबर होता है, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और बच्चों ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 0.4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1.6 बराबर हो जाएगा, ये इसको इससे गुणा करूँगा तो 0.8 बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों 0.8 डिवाइड बाय 1.6 यानी आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। हमें निकालनी है इसकी आवृत्ति, आवृत्ति होती है v बाई लेमडा, तो f इज इक्वल टू v हमारे पास में बच्चों 330 और लेमडा का मान आ गया हमारे पास 0.5 यानी ये आ गया हमारे पास 660 हर्ट्स। 660 हर्ट्स का मतलब है बच्चों तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा एक सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, एनटीपी यानी हमें टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के समान आयतन मिश्रित किए जाते हैं, तो ध्वनि के वेग का मिश्रण और हाइड्रोजन में अनुपात क्या होगा, यानी जब हमने दोनों को मिश्रित कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वो मिश्रण और हाइड्रोजन में अनुपात क्या होगा। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 10 गुना भारी है, तो अगर मैं हाइड्रोजन का अणुभार m मान लूं, ये हाइड्रोजन का है, तो ऑक्सीजन का जो अणुभार है बच्चों वो कितना होगा, जैसा कि हमें दे रखा है ये 16 गुना भारी है तो ये हो जाएगा 16m। ठीक है, इसके साथ ही हमारे को दे रखा है कि एनटीपी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समान आयतन में मिश्रित किया गया है, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम तीनों कांस्टेंट बने रहें तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पर अणुओं की संख्या और मोल्स दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है, अवोगाड्रो का हमारा नियम है ये, तो इसका मतलब है दोनों के अंदर जो मोलों की संख्या होगी वो समान होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो इसका मतलब है इसमें भी मोलों की संख्या एन मान लेता हूँ तो इसमें भी मोलों की संख्या कितनी होगी, एन। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं कि हमारे पास में जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है हमारे पास में, उसका अणुभार कितना आ जाता है, तो हम बोल देते हैं इसको एम मिक्स, मिश्रण का अणुभार कितना आ जाएगा हमारे पास में वो हम देखते हैं, तो वो जाएगा N1M1 यानी N इंटू एम, प्लस दूसरे का जो भार है वो हमारे पास में है 16M बटे N1 प्लस N2 यानी N प्लस N। तो बच्चों इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17/2 N, ये हमारे पास मिक्सचर का अणुभार आ गया। और जैसा कि हमें दे रखा है कि जो गैस हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दोनों के लिए ही जो गामा का मान होगा बच्चों वो, क्योंकि दोनों ही द्विपरमाणु गैस हैं तो बराबर होगा 1.4 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में क्योंकि दोनों के दोनों जो मिश्रण जो हमने लिया है वो समान उसके अंदर लिया है हमने, समान जो है हमारे पास में गामा की वैल्यू है, तो अगर मैं गामा मिक्सचर की बात करूँ, गामा मिक्सचर, तो Cp बटे Cv होता है, Cp मिक्सचर का हमारे पास कितना होगा,
एन इंटू सी पी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, प्लस एन इंटू सी पी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ये मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं, बटे एन प्लस एन मतलब टू एन आ जाएगा। और ऐसे ही सी वी, एन सी वी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, प्लस एन सी वी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, बटे टू एन, ये दोनों कैंसिल। और जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों ही द्विपरमाणु गैसें हैं, इस वजह से इनके सी पी और सी वी आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब है कि सी पी और सी वी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये पूरी टर्म मैं जो है ऐसे की ऐसे काट सकता हूँ, ठीक है। और हमारे को जो गामा मिक्सचर है, जो गामा मिक्सचर है, सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू आर, और सी वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू आर प्लस आर, है ना। तो हमें जो बच्चों गामा मिक्सचर मिलेगा, वो गामा मिक्सचर हमें इन्हीं दोनों के बराबर मिलेगा, यानी गामा मिक्सचर हमें गामा ऑफ हाइड्रोजन के बराबर मिलेगा या गामा ऑफ ऑक्सीजन के बराबर मिलेगा, क्योंकि वो सेम रहेगा, सी पी बटे सी वी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आ गई बात भाई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, टू, अगर मैं बात करूँ ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं क्या कहूँगा, ये टू एन सी पी है, ठीक है, सी पी किसी का भी मान सकते हो क्योंकि इन दोनों के सी पी बराबर है। और ये क्या होगा, टू एन सी वी होगा, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सी पी बटे सी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा लिख सकता हूँ, सी पी बटे सी वी को क्या लिख सकता हूँ, गामा। अब वो गामा किसी का भी ले लो आप, हाइड्रोजन का ले लो चाहे ऑक्सीजन का ले लो, वो सेम है, वो सेम है। इसीलिए मैंने कहा गामा मिक्सचर किसके बराबर होगा, या तो हाइड्रोजन के बराबर या ऑक्सीजन के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है गामा मिक्सचर जो है वो गामा हाइड्रोजन या गामा ऑक्सीजन के बराबर है, क्योंकि सी पी बटे सी वी हमने किसके लिए लिया था, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लिए लिया था, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लिए लिया था। तो ये हमें सी पी बटे सी वी गामा मिल जाएगा, यानी गामा ऑफ मिक्सचर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बराबर होगा, सही बात है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें निकालना है इन दोनों के वेगों का अनुपात, एक मिक्सचर में और एक हाइड्रोजन में। तो हम जानते हैं कि वेग क्या होता है, गामा आर टी बाई एम होता है। तो पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर के अंदर क्या हो जाएगा, गामा मिक्स, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आर टी बटे एम, तो ये एम हो जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। ऐसे ही मुझे निकालना है हाइड्रोजन के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन बटे एम हाइड्रोजन का, इनका भाग दे देते हैं क्योंकि हमें इनका अनुपात निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं गामा मिक्सचर इन दोनों के बराबर है, तो ये तो दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो मुझे मिलेगा अंडर रूट एच टू बटे एम मिक्स। तो जैसा हमने निकाला एम एच टू, यानी इसको हमने लिया था बच्चों, एम एच टू को एम लिया था, ठीक है ना, हाइड्रोजन का हमने कितना लिया था, एम, अणुभार कितना लिया था, एम, और मिक्सचर का अणुभार बच्चों जो हमारे पास निकल के आया था वो आया था 17m बटे 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना प्राप्त हो रहा है, अंडर रूट 2 बटे 17, ठीक है, अंडर रूट 2 बटे 17। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सेट आ रहा है, अंडर रूट 2 बटे 17, ये सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा एक करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी पर ध्वनि के तरंग की समीकरण जिसका रैखिक द्रव्यमान घनत्व 0.04 किलोग्राम प्रति मीटर है, निम्नानुसार प्रदर्शित है। ये हमारे को एक समीकरण दे रखी है, तो रस्सी में तनाव का मान हमें पूछा गया है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो है ये हमारे पास म्यू का मान है, यानी ये रैखिक द्रव्यमान घनत्व है, और रस्सी में तनाव का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम V का मान निकाल लें, V हमारे पास में होता है बच्चों ओमेगा बटा K, यानी ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में 1/0.04, ठीक है, बटे 0.5, 1/0.5 बटे, ये कितना आ गया, 1/0.5। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, V बराबर 0.5/0.04, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10^2
और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10^1। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 10। ठीक है, तो v कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 1.25 इंटू 10 यानी 12.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12.5। हमें तनाव का मान निकालना है, तो v कितना होता है, √T/μ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी स्क्वायर म्यू ये किसके बराबर आ जाएगा, टी के। वी स्क्वायर हमारे पास में 120 इसका स्क्वायर, और म्यू का मान हमारे पास कितना है, 0.04। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10। एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति है 256 हर्ट्ज, वायु में ध्वनि का वेग जो है 344 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि स्वरित्र 32 कंपन पूर्ण करता है, तो उस समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 32 कंपन पूर्ण करने का मतलब है बच्चों, एक कंपन के अंदर स्वरित्र लैम्डा दूरी तय करता है, तो 32 कंपन में 32 लैम्डा करेगा, तो 32 लैम्डा वो दूरी है जो बच्चों स्वरित्र तय करेगा, जो मुझे निकालनी है। अब लैम्डा की अगर हम बात करें, तो लैम्डा हमारे पास होता है वी बटे एफ। वी हमें दे रखा है 344 और f जो दे रखा है वो दे रखा है 256। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, x बराबर 32 × 344 / 256। ठीक है, तो इसको 16 × 32 और ये 16 को 16 से ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ आ जाएगा 8 × 32 और 8 × 24 यानी 43 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो चित्र में दिखाए अनुसार डी बिंदु पर दो कला संबद्ध स्रोतों S1 तथा S2 से तीव्रता I0 की तरंगे पहुंच रही हैं। ठीक है, और हमें दिया हुआ है लैम्डा बराबर 4 मीटर है, डी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट डी विल बी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, इस S1 से तरंग को आने में इसका जो पथ है वो कितना है, 4 मीटर, और S2 से यहां तक जाने में इसका जो पथ है वो कितना है, तो ये तीन है, ये 4 है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बच्चों पथ का अंतर यानी पथांतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 - 4, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा। डेल्टा एक्स कितना आ गया हमारे पास, 1। अब अगर हम इससे डेल्टा फाई निकालें, डेल्टा फाई ये आप कह सकते हैं कालांतर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π/λ, लैम्डा हमारे को दे रखा है 4 × Δx यानी 1। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 2। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता का जो सूत्र है वो हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है ये हमारे पास होता है बच्चों I1 + I2 + 2√I1 I2 cos, इनके बीच का जो कालांतर है वो। ठीक है, अब जैसा कि हमें दे रखा है कि दोनों की तीव्रताएं कितनी है, I0 है, तो ये भी I0 हो गया, ये भी I0 हो गया, प्लस ये 2I0, और ये cos phi कितना है, π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो I का वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2I0, I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2I0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। जब दो कला संबद्ध स्रोतों में व्यतिकरण होता है तब क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ परिवर्तनशील होता है, या ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होता है। तो हम जानते हैं बच्चों जो व्यतिकरण की जो प्रोसेस होती है हमारे पास में, उसके अंदर जो हमारे पास कला संबद्ध स्रोत हैं, समान आवृत्ति के स्रोत हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, यानी ऊर्जा की ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, पर हाँ ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अलग 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 वो ऊर्जा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे को जो तीव्रताएं हैं वो समान प्रकार की प्राप्त होती हैं, समान तीव्रताएं प्राप्त होती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, समय के अनुसार ये तीव्रता कम नहीं होती जाती बल्कि सेम रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होता है लेकिन समय के साथ ये परिवर्तनशील नहीं होती है। तो चौथा ऑप्शन जो है बच्चों ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे सबसे तेज किसमें संचरित होती हैं बच्चों, ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा तेज संचरित होती हैं ठोसों में,
और उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, और निर्वात में हम जानते हैं बच्चों ध्वनि तरंगे जो हैं वो संचरित नहीं हो पाती हैं। तो सबसे तेज जो ध्वनि तरंगे हैं बच्चों वो संचरित होती हैं ठोसों में, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी ने सही कर दिया होगा। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं, वृत्त में गति करते हैं, दीर्घ वृत्त में गति करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं बच्चों वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती ही वही हैं, अगर तरंग का संचरण इस दिशा में हो रहा है तो माध्यम के कण जो हैं वो इस दिशा के अंदर दोलन करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अगर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं तो उस तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव इज गिवन बाय द फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, वेयर वाई इज इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकंड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज। तो हम जानते हैं बच्चों कि जैसा कि हमें ये तरंग दे रखी है, अगर मेरे को इनके बीच में अगर कालांतर निकालना है, ये दो तरंगों का अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग बनी है उसकी समीकरण दे रखी है। तो हम जानते हैं कि इसका अगर मान लीजिए कला ओमेगा टी है तो इसको भी मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी इनके बीच में अगर बच्चों मैं कलांतर निकालने के लिए जाऊँगा तो कलांतर हमें कितना मिलेगा, इसका ओमेगा टी है, इसको जब मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये बनेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो मेरे पास जो कलांतर बचेगा वो बचेगा पाई बाई टू। तो अगर मेरे को इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा एक करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दो तरंगे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित हैं, y1 बराबर a sin omega t plus kx plus 0.57 मीटर तथा y2 is equal to a cos pi by omega t plus kx मीटर, x मीटर में t सेकंड में, दोनों के मध्य कलांतर क्या होगा। तो बच्चों अगर हमें दोनों के मध्य, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कलाओं का अगर अंतर देखना है तो दोनों हमारी जो तरंगे हैं वो दोनों तरंगे हमारे को साइन में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y2 वाले को लिखूंगा a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू। तो ये वही वैल्यू हो जाएगी क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अब अगर मैं कालांतर देखना चाहता हूँ तो इस कला में से ये वाली कला घटा दूंगा, ये दूसरी तरंग की कला है, ये पहली तरंग की कला है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा क्या, पाई बाई टू माइनस 0.57। पाई बाई टू का मतलब कितना हो गया, 3.14 डिवाइड बाई टू माइनस 0.57। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.57 माइनस 0.57, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 रेडियन, कितना आ जाएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव अलॉन्ग अ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू 5 sin 5 pi / 3 एक्स कॉस 40 pi t, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड, दैट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। तो अगर हमें दो नोड्स के बीच में, क्रमागत निस्पंदों के बीच में अगर दूरी चाहिए तो वो लैम्डा बटे दो होती है, उसके लिए पहले मुझे लैम्डा निकालना है। हम जानते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर मैं स्टैंडर्ड समीकरण से इसका तुलना करूँ तो वो होती है k के बराबर। तो यानी k जो है, जो कि 2 pi / λ होता है, वो इस समीकरण के अनुसार हमारे को दे रखा है 5 pi / 3। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो लैम्डा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 by 5। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 6 by 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो निस्पंदों के बीच की दूरी। तो निस्पंदों के बीच की दूरी होती है लैम्डा बटे दो, यानी हमें क्या करना है, ये 6/5 है, इसके अंदर 1/2 का भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा 3। तो 0.6 ये हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई सेंटीमीटर में, तो 0.6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, एक विद्यार्थी निम्न चार ग्राफ किसी गैस में ध्वनि के वेग v तथा नियत ताप पर दाब p के मध्य आरेखित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा।
हम जानते हैं बच्चों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो दाब पर निर्भर नहीं करती। अगर नियत दाब पर अगर हम दाब की बात करें तो जो दाब है उस पर ध्वनि तरंगे जो है निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो दाब के पास निर्भर नहीं करती हैं, तो इसका मतलब है अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो भी जो वेग है वो क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों हमारा, इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक लड़का माध्यम ए में 100 mm लंबाई की तथा माध्यम बी में 0.25 मीटर लंबाई की तरंगे प्रेषित करता है। यदि माध्यम ए में ध्वनि का वेग 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम बी में इसका वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि माध्यम के ऊपर हमारी जो आवृत्ति है माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब v1/λ1 आवृत्तियाँ बराबर होंगी तो v1/λ1 किसके बराबर होगा, v2/λ2, ठीक है। तो जैसा कि हमें दे रखा है v1 वो है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और आंसर हमें मीटर में दे रखे हैं तो मैं भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये है 0.8 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा वन हमें दे रखा है बच्चों 100 mm, 100 mm का मतलब होता है 100 mm का मतलब हमारे पास में हो जाता है 0.1 मीटर, ठीक है। और यहां से हम देख सकते हैं कि v2 हमें निकालना है और लैम्डा 2 हमें दे रखा है बच्चों 0.25, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो v2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 8 × 0.25। तो 8 × 0.25 का मतलब आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो ध्वनि है उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात अगर हमें दे रखा है तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। पहला ऑप्शन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आसानी से आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां, जब एक ध्वनि तरंग एक दीवार से परावर्तित होती है तब परावर्तित तथा आपतित दाब तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं और अगर एक दृढ़ आधार जैसे दीवार से अगर मान लीजिए टकराती हैं तो हमारा जो संकुचन होता है अगर वो इससे टकराती हैं तो टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन से ये वापस आती हैं तो एक संकुचन के रूप में ही वापस आता है। अगर यही तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती तो मैं कहता दृढ़ आधार से टकराने के बाद में इनमें पाई कला का अंतर आ जाता, लेकिन ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो अगर संकुचन टकराया है तो वापस भी संकुचन ही आएगा, यानी इनके बीच में कला का अंतर कितना होगा, 0। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी कोई फेज में यानी कला में अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम 22 नंबर। एक अनुनाद नली 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरयंत्र के साथ अनुनादित होती है। यदि प्रथम और द्वितीय वायु स्तंभों की अनुनादित लंबाई 32 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर तो अंत संशोधन का मान हमसे पूछा है, यानी एंड करेक्शन का वैल्यू हमसे पूछा है। हम जानते हैं बच्चों जो एंड करेक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास L2 − 3L1/2। तो L2 हमारे पास कितना है, 100। L1 हमारे पास में कितना है, 3 × 32/2। तो ये 100 − 96/2, 4/2, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक प्रेक्षक चित्रानुसार किसी वृत्त के अनुदिश गति करता है, बिंदु एस पर एक ध्वनि स्रोत रखा गया है। यहाँ हमारा ध्वनि स्रोत है बच्चों। यदि F1, F2, F3 आवृत्तियां बिंदु A, B तथा C पर प्रेक्षक द्वारा सुनी जाती हैं, यानी जो हमारा प्रेक्षक है बच्चों वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, F1 यहाँ सुनी जा रही है, F2 यहाँ पर सुनी जा रही है और F3 यहाँ सुनी जा रही है, तो हम देख सकते हैं बच्चों इसका जो वेग होगा जब वो इसके अनुदिश गति कर रहा है तो इस तरफ होगा, यहाँ पर इसका वेग इसके अनुदिश होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हैं, यानी दूर की तरफ जा रहा है इस स्रोत से वो। और अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो बच्चों ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो हम जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव जो होता है बच्चों वो उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश प्राप्त होता है। ये अगर लंबवत जा रही है यानी इस वाले केस में तो हमें पता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्रोत इसकी तरफ जा रहा है, प्रेक्षक स्रोत की तरफ जा रहा है, तो प्रेक्षक अगर स्रोत की तरफ जा रहा है तो उसको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, यानी F1 जो है बच्चों वो तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति का हमें सुनाई देगा, और ये इससे दूर जा रहा है स्रोत से, यानी उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो F2 जो है जो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है वो सबसे कम प्राप्त होगी, यानी F2 जो है वो तो सबसे कम प्राप्त होने वाली है,
और इनके बीच में बच्चों हमारे को प्राप्त होगी F3। तो ये हमारे पास इसका क्रम बनेगा बच्चों, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। दो कारखाने प्रत्येक 400 हर्ट्ज आवृत्ति के बिगुल बजा रहे हैं। एक व्यक्ति एक कारखाने से दूसरे कारखाने की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। ध्वनि की चाल अगर 320 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति द्वारा सुने गए प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दो स्रोत हैं, दो कारखाने हैं जो बिगुल बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्रोतों का काम करेंगे। ये हमारा S1 स्रोत है, ये हमारा S2 स्रोत है, और हमारा जो व्यक्ति है वो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश गति कर रहा है। वो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ गति कर रहा है। इसकी जो चाल है V0 वो हमारे को दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जो हमारा जैसा हमें दे रखा है 400 हर्ट्ज आवृत्ति के, ये F0 आवृत्ति 400 हर्ट्ज हम मान लेते हैं, ये भी F0 आवृत्ति, ये भी 400 हर्ट्ज है। तो अगर इसके द्वारा सुनी गई, जब ये वाला जो हमारे पास में कारखाना है, तो ये जब F0 आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो इसके द्वारा सुने गई आभासी आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, उसको मैं F1 मान लेता हूँ। तो F1 कितना होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है हमारे पास में तो हम लिख सकते हैं C, और C भी इस तरफ है, ऑब्जर्वर भी इस तरफ है, तो C माइनस V0 डिवाइड बाई सी। सी यहाँ पर ध्वनि की चाल है, ओके, और इसको मैं गुणा कर दूंगा बच्चों F0 से। ऐसे ही इस स्रोत के लिए जो इसको आभासी आवृत्ति सुनाई देगी वो होगी F2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ध्वनि इसकी तरफ आ रही है और ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है, तो सी प्लस V0 हो जाएगा डिवाइड बाई सी, और यहाँ आ जाएगा F0। तो अब मेरे को ये देखना है बच्चों इनके बीच में विस्पंद कितने बन रहे हैं, तो F2 माइनस F1 निकालना पड़ेगा मेरे को। तो जो हमारे पास में विस्पंदों की संख्या होगी वो हमें निकलेगी F2 माइनस F1 से। F2 माइनस F1 निकालते हैं बच्चों, F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, C प्लस V0 बटे C प्लस V0 बटे C माइनस, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, C माइनस V0 बटे C, और यहाँ से ये मैं इसको गुणा कर सकता हूँ F0 से। तो C हमने यहाँ पर LCM ले लिया तो ये बच गया C प्लस V0, ये इधर माइनस का गुणा किया तो माइनस C प्लस V0, और ये गुणा हो रहा है बच्चों F0 से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2V0 F0 बटे C, करेक्ट। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमें दे रखा है ये 2V0, V0 मतलब हमारा जो प्रेक्षक है उसकी चाल, जैसे कि हमें दे रखी है 2 है। F0 हमारे को दे रखा है बच्चों 400 हर्ट्ज, ठीक है, बटे C हमें कितनी दे रखी है 320। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं बच्चों, ये 4 और ये 8, और 8 को 40 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 5। तो वहाँ पर इसका जो करेक्ट उत्तर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 5 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लोज पाइप रेजोनेट्स एट इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो छांटना है। इफ द टेम्परेचर राइजेस द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। तो बच्चों जो टेम्परेचर होता है वो जो हमारे पास साउंड की वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो V = F λ के नाम से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी राइज करती है। तो यानी ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इफ़ द प्रेशर राइजेज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो बच्चों हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है इसलिए V = F λ के हिसाब से हमारा जो प्रेशर है उस पर कोई भी इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही स्टेटमेंट जो है बच्चों हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी भी चेक कर सकते हैं, इफ़ द फर्स्ट ओवरटोन इज ऑफ फंडामेंटल इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में एक बंद नलिका है, बंद नलिका के अंदर जो हमारा जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो हमें मिलता है 3F0 पर, फिर 5F0 पर, फिर 7F0 पर। तो फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो 3F0 मतलब F0 यानी मूल आवृत्ति हमारे को 300 हर्ट्ज दे रखी है तो 900 हर्ट्ज मिलेगी, बिल्कुल सही बात है।
एक दुगनी लंबाई के खुले पाइप की मूल आवृत्ति इसके समान होगी। तो दुगनी लंबाई का खुला पाइप, खुले पाइप के लिए हमारे को फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी मिलती है बच्चों, वी बाई 12, करेक्ट। अगर मैं दुगनी लंबाई का ले लूँगा तो यानी ये एल की जगह मैं क्या लूँगा, 12, यानी मेरे को ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये कितनी मिल जाएगी, वी बाई 4L, अगर मैं यहाँ पर 2L ले लूँ तो। और हम जानते हैं जो बंद ऑर्गन पाइप होता है उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो वी बाई 4L होती है, यानी ये दोनों की वैल्यू भी क्या है, आपस में समान है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये, बाकी तीन ऑप्शन 1, 3, 4 आर एक्चुअली सत्य है, और जो असत्य कथन है वो है हमारे पास सेकेंड, तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बंद ऑर्गन, एक बंद पाइप और एक खुले पाइप के प्रथम अधिस्वर समान आवृत्ति के प्राप्त होते हैं तो उनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो एक बंद ऑर्गन पाइप और एक खुला ऑर्गन पाइप दे रखा है, प्रथम अधिस्वर की बात चल रही है। हम जानते हैं बच्चों कि एक बंद ऑर्गन पाइप जो होता है उसके अंदर हमें जो आवृत्ति प्राप्त होती है वो होती है वी बाई 4L, और 1, 3, 5 के हमारे को क्या मिलते हैं, हारमोनिक्स मिलते हैं। तो बंद ऑर्गन पाइप का जो पहला अधिस्वर होगा वो होगा 3V/4L, तो इसको मैं लिख देता हूँ फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप LC, और खुला ऑर्गन पाइप जो है उसका जो दूसरा अधिस्वर होता है बच्चों वो होता है V/2L का 2 times, यानी 2V/2L या सिंपल V/L लिख देता हूँ इसको मैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो हमें निकालना है LC/L0, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा थर्ड, ठीक है, आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू साउंड सोर्सेज ईच एमिटिंग साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर फिक्स्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, अ लिसनर मूव्स विद वेलोसिटी यू अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय हिम पर सेकेंड। तो जैसा कि हमें दे रखा है बच्चों कि दो साउंड सोर्स हैं, वो दोनों ही लैम्डा वेवलेंथ का साउंड जो है वो एमिट कर रहे हैं, और कुछ डिस्टेंस के ऊपर उनको रखा हुआ है। ये साउंड सोर्स है हमारा S1 और इसको ले लेते हैं S2। तो अब की बार हमें फ्रीक्वेंसी ना देके लैम्डा दे रखा है। अ लिसनर मूव्स विद वेलोसिटी यू अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस, एक श्रोता दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश गति करता है। तो किसी भी दिशा के अंदर हम गति करवा सकते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है वो इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो श्रोता द्वारा प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या क्या होगी, तो सेम पहले की तरह ही बच्चों हमें करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में इसके द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति होगी, जो ये सुन रहा है वो कितनी होगी हमारे पास में, वो होगी हमारे पास में C-V0, जैसा कि मैं दे रखा है कि V0 की जगह यहाँ पर U दे रखा है, तो मैं भी इसको यहाँ पर U इस्तेमाल कर देता हूँ, C-U/C×F, ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। और F2 के लिए हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, अभी अभी हमने ये सब निकाल चुके हैं हम, C/U, ये आ जाएगा F0, ठीक है। अब हम विस्पंदों की संख्या निकालेंगे, तो F2 - F1 कर देंगे, तो Δf हमारे पास कितना आ जाएगा, Δf हमारे पास में आ जाएगा F2 - F1, यानी C+U - C+U/C, ये कैलकुलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले करी भी थी, तो ये आ जाएगा बच्चों 2U/C। और F0 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इस F0 को हम लिख सकते हैं C/λ, जैसा कि हमें दे रखा है, F0 ना देके हमें लैम्डा दे रखा है, ठीक है ना, F0 ना देके हमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 2U/λ। तो बस 2U/λ फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। एक अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण दे रखी है y=y0 sin 2πft − x/λ द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यदि माध्यम के कण का अधिकतम वेग 4 गुना हो, यदि माध्यम के वेग का अधिकतम वेग तरंग वेग का 4 गुना हो, तो हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें बतानी है। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द 4 times द वेव वेलोसिटी इफ, तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, हमें ये दे रखा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द 4 times द वेव वेलोसिटी, तो यानी हमें वी पी मैक्स जो दे रखा है, ये दे रखा है 4 times द वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, F/λ, टी का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, V=F λ हो जाएगी ये, तो और वी पी मैक्स क्या होता है बच्चों, वी पी मैक्स होता है A ओमेगा, तो A कितना है Y0, ओमेगा मतलब टी का गुणांक 2πf,
ठीक है, तो यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा यहाँ से ये दो आ जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा पाई वाई नॉट बटे दो, पाई वाई नॉट बटे दो। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। एक प्रेक्षक समुद्र के तट पर खड़ा है, वह समुद्र तट पर प्रति मिनट 54 तरंगों को पहुँचते हुए प्रेक्षित करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो अगर 10 मीटर हो तो तरंग का वेग क्या होगा। तो जैसा हमें दिया हुआ है बच्चों कि वो प्रति मिनट 54 तरंगों को पहुंचता हुआ प्रेक्षित करता है, ठीक है ना, पर मिनट। तो यानी 60 सेकंड के अंदर कितनी तरंगे पहुंच रही है बच्चों, 60 सेकंड में हमारे पास तरंगे पहुंच रही हैं 54। तो पर सेकंड कितनी तरंगे पहुंचेंगी, 54/60। और पर सेकंड तरंगों की जो संख्या है बच्चों, पर सेकंड जो कंप्लीट वाइब्रेशंस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी 54/60, या इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10। ठीक है, अब तरंग की तरंग दैर्ध्य हमें दे रखी है 10, तो v बराबर f लैम्डा 9/10 × 10, तो ये कट जाएगा बच्चों 9 मीटर हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीन समान आवृत्ति की तरंगों के आयाम 10 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर और 7 माइक्रोमीटर है, किसी बिंदु पर एक साथ क्रमागत पाई बाई टू कलांतरों के साथ पहुंचती है, परिणामी तरंग का आयाम माइक्रोमीटर में क्या होगा। तो जैसा हमें दिया हुआ है, क्रमागत पाई बाई टू कलांतर है हमारे पास में, यानी एक तरंग जो है वो 10 माइक्रो एमएम की है, 10 माइक्रोमीटर, दूसरी जो तरंग है वो हमारे पास 4 माइक्रोमीटर की है, और तीसरी का जो आयाम है वो है 7 माइक्रोमीटर। तीनों एक दूसरे से क्रमागत पाई बाई टू के कलांतर पर है। ठीक है, तो इन दोनों से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 3, ये यहाँ इस डायरेक्शन में 7, इस डायरेक्शन में 10 है, तो मेरे को मिलेगा 3 माइक्रोमीटर। और इन दोनों का जो परिणामी होगा बच्चों 4 और 3 का, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो कितना मिलेगा, 5 माइक्रोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन अ स्ट्रिंग सपोर्टिंग साइन वेव इज 0.4 वॉट when the amplitude of wave is 2 mm, okay, what average power will be transmitted through this point if its amplitude is increases to 4 mm. to jaisa ki hum jante hain bachcho, average power transmitted through a given point string supporting a sine wave is 0.4 watt. hum jante hain ki jo average power ya intensity bhi hum keh sakte hain, wo jo hamare paas mein amplitude hota hai is par kaise depend karti hai, ये इस प्रकार से एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे शुरुआत में मैं दे रखा है ये 0.4 वोल्ट है, जब हमारे को कहा हुआ है कि व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज 2 mm, तो हमें उस टाइम के ऊपर पावर बतानी है जबकि इसका एम्पलीट्यूड हम 4 कर दें, इंक्रीजेस टू 4 mm। तो इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ बच्चों, तो मेरे को कितना मिलेगा, 0.4 डिवाइड बाई पी बराबर 2/4 स्क्वायर, 1/2, यानी 1/4 रह जाएगा ये यहाँ पर, और ये रह जाएगा 0.4/पी, तो पी कम्स आउट टू बी 1.6 वॉट। सो करेक्ट आंसर विल बी 1.6 वॉट। ईजी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हमारे पास में इनर्शिया, इलास्टिसिटी और लो रेजिस्टेंस तीनों ही होने चाहिए सो दैट कि कोई तरंग जो है वो संचरित हो जाए उस माध्यम के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव एनर्जी इज नॉट कैरिड, ऐसी कौन सी तरंग है जो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। तो हम जानते हैं स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं वो ऊर्जा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह नहीं करती हैं। ठीक है ना, बाकी जो तरंगे हैं हमारे पास में प्रोग्रेसिव वेव यानी प्रगामी तरंगे, उनका तो काम ही यही है कि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी ऊर्जा का संचरण करती हैं हम जानते हैं, जैसे लाइट वेव्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। हम जानते हैं बच्चों ये जो हैं हमारे पास जो तरंगे हैं वो हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं, और ये जो तरंग है हमारे पास ध्वनि तरंग वो एक अनुदैर्ध्य प्रकार की
तरंगे हैं, वायु के अंदर जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्य प्रकार की जो तरंगे हैं वो उस रूप में हमें प्रेक्षित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 नंबर क्वेश्चन, कण के वेग यू और तरंग वेग वी के मध्य कौन सा संबंध होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास में जो तरंग होती है उसको हम इस तरीके से साइन वेव के रूप में लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं इसका डी वाई बाई डी टी निकालता हूँ बच्चों, यानी मैं अगर इसका वेग निकालता हूँ, तरंग के या कण के वेग की बात कर रहे हैं, करण का वेग जैसा कि हमें दे रखा है कि यू से हमें निकालना है, तो ये जो मैं अगर यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो बच्चों ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा इसका जब मैं अवकलन करता हूँ माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये मेरे को मिलेगा एक बार इसको वापस हम इसको ए ओमेगा, और इस साइन का बन जाएगा बच्चों कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यू बटे डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, यू बटे डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसका भाग में इसमें अगर लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा बाई के, और बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा बाई के को बच्चों हम लिख सकते हैं तरंग वेग जिसको हमने वी से प्रदर्शित किया है, तो यू हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस वी, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ तो इधर भी नेगेटिव आएगा, माइनस वी डी वाई बटे डी एक्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, श्रृंग से गर्त तक किसी कण को पहुंचने में लगा समय किसी अनुप्रस्थ तरंग के लिए कितना होगा। हमारे पास में जो टी है वो हमारा टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। तो हम जानते हैं बच्चों कि श्रृंग से गर्त तक अगर हमें मान लीजिए पहुंचना है, यानी यहां से यहां तक हमें पहुंचना है, तो हमें ये जो समय है वो कितना लगेगा, टी बाई टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, टी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइन वेव हैज एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा, इफ वी इज द वेव वेलोसिटी एंड यू इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, बोथ वी एंड यू विल बी इक्वल व्हेन। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है बच्चों कि वी जो है वो वेव वेलोसिटी है और यू जो है वो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हम जानते हैं बच्चों होती है ए ओमेगा, ए ओमेगा। ठीक है, और वेव वेलोसिटी हमारे पास में क्या होती है बच्चों, वेव वेलोसिटी हमारे पास में होती है एफ लैम्डा। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने भी बराबर कर दिया है, तो ए ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ बराबर एफ लैम्डा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आ जाएगा। ओके, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 38, किसी तरंग में के लिए ऊर्जा घनत्व और तरंग वेग क्रमशः यू तथा सी हैं। अभी यहाँ पर यू ऊर्जा घनत्व है, यानी ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, और तरंग वेग हमें सी दे रखा है। तरंग संचरण ऊर्जा प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होगी। तो हमसे बेसिकली बच्चों पूछा गया है एनर्जी प्रोपोगेटिंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, यानी अगर हम एनर्जी को ई लिख दें तो ई बाई टी इन टू ए, ए फॉर एरिया, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो बच्चों हमने इसको क्या किया, मैंने इसको L से गुणा कर दिया और L से डिवाइड कर दिया। अब A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो अब मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ, E बाय एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिख दिया, इंटू बाकी कितना बचा, L बाई टी। ठीक है, अब जैसा मैं दे रखा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, और इसको हम किससे शो कर रहे हैं, यू से। और L by T, L by T होता है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम किससे शो कर रहे हैं, C से। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, U into C, करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 100 हर्ट्स देन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्रॉसेस द मीन पोजीशन इन 1 सेकेंड। तो 100 हर्ट्स का मतलब होता है बच्चों 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 1 सेकेंड में या पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो एक वाइब्रेशन के अंदर बच्चों जो हमारा पार्टिकल है वो मीन पोजीशन को, यानी ये वाली जो हमारी मीन पोजीशन है उसको कितनी बार टच करता है, वो 2 बार टच करता है, 2 बार क्रॉस करता है। तो जब वो 2 बार मान लीजिए हमारी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है,
तो इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर वो 100, जैसा मैं दे रखा है कि 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 100 वाइब्रेशन कर रहा है। तो कितनी बार वो क्रॉस करेगा 100 वाइब्रेशन में? एक वाइब्रेशन में दो बार करता है, तो 100 वाइब्रेशन में कितनी बार करेगा? 200 बार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 200 टाइम्स, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इफ कीपिंग द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स वेवलेंथ विल बी। तो जैसा मैं दिया हुआ है कि वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है, वेग को नियत रखना है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को 25% बढ़ा दिया है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगर हम लगाते हैं बच्चों, तो हमें कहा है कि ये तो भाई कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें कहा है कि इसको मैंने 25% बढ़ा दिया, यानी f से मैंने अब इसका कितना कर दिया है? 1.25f। तो अगर मेरे को इस v बराबर एफ लैम्डा को कांस्टेंट रखना है, तो लैम्डा की वैल्यू को मुझे इतना ही घटाना पड़ेगा, यानी इतने टाइम्स ही करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को मैं काट दूं तो वापस मुझे एफ लैम्डा मिल जाए, यानी हमारा जो नया वेवलेंथ है बच्चों वो मिल जाएगा लैम्डा बाय 1.25। तो अब परसेंटेज चेंज कितना आया? परसेंटेज चेंज कितना आया, जाहिर सी बात है पहले लैम्डा थी, अब इतनी हो गई, तो डिक्रीज ही हुई होगी। हमें एक जीरो से बड़ी क्वांटिटी को या वन से बड़ी क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड, तो डिक्रीज ही हुई होगी। तो आंसर तो हमारा कमी में ही आएगा, डिक्रीज में ही आएगा। अब कितना परसेंटेज डिक्रीज आएगा? तो शुरुआत में लैम्डा है, बाद में हो गई लैम्डा बाय 1.25, और इनिशियल कितनी हो गई? लैम्डा इंटू 100। ये हमारे पास आ गया परसेंटेज चेंज इन लैम्डा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 1.25 माइनस 1 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा इंटू 100, ठीक है, और नीचे 1.25 लैम्डा। तो ये हमारे पास कितना बच गया बच्चों? 0.25 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100। तो इसको हटा दिया हमने, 25 × 125, तो ये हो गया 1/5 इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 20%। तो 20% डिक्रीज, यानी ये सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। करेक्ट रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो ये तो हमें याद ही होता है, हम पहले ऑप्शन में इसको देख सकते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी समीकरण एक समतल प्रगामी तरंग की समीकरण नहीं है? तो हम जानते हैं बच्चों समतल प्रगामी तरंग की जो समीकरण होती है हमारे पास में, वो हमारे पास में इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं, at plus minus bx। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों समीकरण at plus minus bx के टर्म्स में है, सब में t plus minus x। एक यहाँ पर देखें तो ये t plus minus x में नहीं है, यानी ये ऊर्जा का संचरण नहीं कर रही है ये, तो बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं आयाम मान लूँ तो ये तो एक SHM की समीकरण है ना। इसको हम स्टेशनरी वेव की इक्वेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर पार्टिकल एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं करते, केवल अपनी ही जगह पर क्या करते हैं वो प्रोपोगेट ऑसिलेट करते हैं, SHM करते हैं। तो ये हमसे पूछा है समतल प्रगामी तरंग कौन सी नहीं है, ये नहीं है बच्चों, ये एक अप्रगामी तरंग की समीकरण है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कण की गति की समीकरण के लिए हमें ये दे रखा है, प्रारंभिक कला पूछी है बच्चों। ये हमारे पास क्या होती है? कला होती है। अगर हमसे कोई पूछे प्रारंभिक कला क्या होती है, तो प्रारंभिक कला हमेशा याद रखिए कला कोण के अंदर में t बराबर 0 रख दीजिए, तो जो भी हमें मिलेगा वो प्रारंभिक कला होगी। तो t बराबर 0 रख दूंगा तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी और मुझे केवल क्या मिलेगी? 0.1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रगामी तरंग की समीकरण दे रखी है हमारे को, एक्स वाई सेंटीमीटर में टी सेकंड में तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल का मान हमसे पूछा है। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास में के की वैल्यू दे रखी है हमारे को 0.02 पाई, क्योंकि पाई से गुणा हो रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2π/λ, एक्स के साथ में के का गुणा होता है, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा हमारे पास कितना हो जाएगा? 2/0.02। इसको हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, ये घटाएंगे तो वापस आ जाएगा 100, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है इसके अंदर आवर्तकाल, तो पाई इंटू 4, ये हमारे पास में क्या आ गया? ओमेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/T, ये कैंसिल होगा तो ये टी कितना आ जाएगा? 0.5। तो 100 और 0.5 से मेरे को तीसरा ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है एक 10 मीटर लंबाई और 15 किलोग्राम द्रव्यमान की रस्सी, एक समरूप रस्सी है, एक दृढ़ धार से ऊर्ध्वाधर लटक रही है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटखा रस्सी के मुख सिरे पर बंधा है। यहाँ पर 5 किलोग्राम का एक गुटखा बंधा हुआ है। एक रस्सी के निचले सिरे से 0.08 तरंग दैर्घ्य की अनुप्रस्थ तरंग स्पंद उत्पन्न की जाती है, तो यहाँ पर जो लैम्डा 1 का मान है वो है 0.08। हमसे कहा गया है जब यह स्पंद रस्सी के उच्चतम सिरे पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है, मैंने लैम्डा 2 मान लेता हूँ मैं, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। हम जानते हैं कि अगर माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है तो आवृत्ति समान रहती है, तो यहाँ पर वेग और यहाँ पर वेग अलग अलग होंगे, आवृत्ति समान है। तो जैसा कि हमें पता है कि वेग किसी तनी हुई रस्सी पर होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, एक ही रस्सी का इस्तेमाल कर रखा है तो प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान वो बराबर होगा, यानी टी के मानों में केवल अंतर आएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि वी समानुपाती होता है अंडर रूट टी, तो यहाँ पर अंडर रूट टी कर देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट टी टू कह देते हैं, ठीक है। तो टी वन हमारे पास में कितना होगा, यहाँ पर 5G और यहाँ पर 15 और 5 20G। तो इसको फ्रिक्वेंसी को बराबर करते हैं बच्चों, आवृत्तियाँ बराबर हैं, एफ बराबर होता है वी बाई लेमडा, यानी अंडर रूट टी, अंडर रूट टी वन मतलब जो नीचे वाला सिरा है वो सर 5G था, एफ बाय वी, एफ बराबर वी बाय लेमडा, लेमडा कितना है बच्चों हमारे पास नीचे 0.08, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा टेंशन अंडर रूट 20G बटा लेमडा 2, जैसा कि हमें कैलकुलेट करना है, जी से जी कैंसिल, ये 4, तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा, 1/0.08 2 बाई लेमडा 2, लेमडा 2 बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.16। तो बस यही हमारे पास 0.16 जो है बच्चों मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, स्वरमापी में उपयोग किए गए तार का घनत्व है 7.5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रतिबल दे रखा है हमारे को 3 × 10⁸, तो हमें बताना है तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी। तो V बराबर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है हमें, और म्यू को बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डेंसिटी, ये हम जानते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चों हमारे पास में सिग्मा, यानी स्ट्रेस। तो V किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा जैसा कि हमें दे रखा है 3 × 10⁸ है, और डेंसिटी ये हमें दे रखी है 7.5 × 10⁸, ठीक है। तो सॉरी 7.5 × 10³, इसको 3 कर देते हैं, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको हमें काम करते हैं 10 इसको दे देते हैं, तो इधर बचेगा 10⁶ और ये बचेगा 1/25, 10 इसको दे दिया तो ये बचेगा हमारे पास 1/5 × 10³, तो 1000/5 मतलब 200 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47, किसी रस्सी की लंबाई द्रव्यमान और तनाव क्रमशः 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब हम कह सकते हैं बच्चों 10 मीटर, और हमारे को द्रव्यमान जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 0.01, और टेंशन ये दे रखी है 10 न्यूटन। अनुप्रस्थ तरंग की चाल पूछिए, V बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, टी हमें दे रखा है 10 और म्यू मतलब एम बटे एल रख सकता हूँ 0.01, और एल हो गया हमारे पास बच्चों 10। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये मैं हटाऊंगा तो एक 10⁻² भी ऊपर आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ से, 1 10 यहाँ से, तो ये हमारे पास 100 यानी 10⁻² मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 48, यदि दो ध्वनि तरंगों की तीव्रताएं समान आई हैं और बिंदु P पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, समान कला का मतलब होता है बच्चों कि दोनों के मध्य जो कलांतर है वो शून्य है, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। हम जानते हैं अगर कलांतर शून्य होता है बच्चों तो हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है, हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दोनों की तीव्रताएं आई हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4i, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलें आगे। नेक्स्ट, स्रोत ए तथा बी की आवृत्तियां समान है यदि ए बी बराबर लैम्डा बटे दो हो, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है लैम्डा बटे दो, तब बिंदु पी क्यू आर पर कौन सा व्यतिकरण होगा। द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी क्यू एंड आर विल बी इफ ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू एंड टू सोर्सेज आर इन द सेम फेज। इनिशियली ए और बी जो हमें स्रोत बताए गए हैं, एक सोर्स ये है एक स्रोत ये है, ये शुरुआत में समान कला में, और साथ में क्या दे रखा है ए पी बी क्यू के बराबर है, यानी जितनी डिस्टेंस ये है मान लो x, उतनी डिस्टेंस ये है, यानी ये भी कितनी है x, ए ओ बराबर बी ओ के बराबर है। तो ये हमारे पास में ए ओ बराबर बी ओ के बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू, तो ये भी लैम्डा बाई फोर है और ये भी लैम्डा बाई फोर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कौन सा व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों ये तो जो हमारे पास यहाँ से जो इस स्रोत से जो तरंग आएगी वो तो डायरेक्ट पहुँच जाएगी, और यहाँ से जो तरंग आएगी उसको एक्स्ट्रा लैम्डा बटे दो चलना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा लैम्डा बटे दो, करेक्ट। तो अगर लैम्डा एक्स्ट्रा दो, लैम्डा बटे दो अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब पथांतर कितना आ जाएगा दोनों के बीच में लैम्डा बटे दो का, और लैम्डा बटे दो का जब पथांतर होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी पी पर हमें कैसा व्यतिकरण मिलेगा विनाशी, सेम ऐसा ही क्यू पर भी होगा। ये रे तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी, ये वेव तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी, और ये वाली वेव को एक्स्ट्रा लैम्डा बाई टू का पथांतर ट्रेवल करना पड़ेगा क्यू तक पहुंचने के लिए, तो वापस पथांतर लैम्डा बाई टू मिलेगा और हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण मिलेगा, यानी ये तो पक्का है कि पी और क्यू पर हमें विनाशी मिलेगा। और आर की अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो दूरियां हैं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में, ये दूरी और ये दूरी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी आपस में बराबर होगी। अगर ये दोनों की दूरियां बराबर हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के मध्य जो तरंगें पहुंच रही हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कोई भी पथांतर नहीं होगा। पथांतर जब शून्य होता है तो हमारे को संपोषी व्यतिकरण की घटना मिलती है। संपोषी व्यतिकरण का मतलब हो गया बच्चों, संपोषी व्यतिकरण अगर हमारे पास हो गया, अधिकतम तीव्रता मिल गई, यानी आर पर हमें मिल रहा है संपोषी और पी और क्यू पर विनाशी व्यतिकरण, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी माध्यम में दो तरंगों के आयामों का किसी बिंदु पर अनुपात 1:3 हो, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। हमें बताना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशो बताना है, तो आई मैक्स बाई आई मीन कर देते हैं अपन, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन, ये होता है हमारे पास ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और ये होता है बच्चों हमारे पास में ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि आयामों का अनुपात हमारे पास में है 1:3, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक आयाम ए ले लूँ तो दूसरा मैं तीन ए ले सकता हूँ 1:3, तो ए प्लस 3A का होल स्क्वायर बटे ए माइनस 3A का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4A डिवाइड बाई 2A इस पूरे का होल स्क्वायर, ये काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी 4:1 हमारे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 51। इफ टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 sin 4x - 300t एंड 4x - 300 - 0.2, देन देयर सुपरपोज्ड वेव विल हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं बच्चों कि जब हमारे पास में दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं जो कि समान माध्यम के अंदर चल रही हैं, समान आवर्ती की हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप हमारे को जो फ्रीक्वेंसी है परिणामी तरंग की वो उतनी ही प्राप्त होती है जितनी की किसी एक वेव की थी। तो अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है 300 ओमेगा का मान, तो यानी हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो भी कितना होगा 300, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज इज वाइब्रेटिंग एट वन एंड ऑफ द ट्यूब एज शोन इन द फिगर, इफ द मैक्सिमम साउंड इज हर्ड एट द अदर एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी। तो जैसा कि दे रखा है बच्चों कि ये हमारे पास में अर्धवृत्ताकार भाग है, हाफ सर्कल है, इसकी त्रिज्या हमारे को दे रखी है आर, और ये टोटल जो दूरी दे रखी है हमारे को वो दे रखी है 2R, यानी त्रिज्या जो है बच्चों हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर। अब एक तरंग जो है वो तो हमारे पास सीधी निकल गई और एक तरंग जो है वो इस प्रकार से निकल रही है, तो इन दोनों के मध्य अवश्य ही एक पथांतर डेवलप हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये जो तरंग है ये कितना मूवमेंट करके गई है पाई आर, और ये जो तरंग है वो कितना मूवमेंट करके गई है 2 पाई, मतलब 3.14,
त्रिज्या जैसा कि मैंने बताया है 1-2 यानी आ जाएगा 1.14। ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है तरंग की चाल, तो 1.14 जैसा कि हमें दे रखा है कि ये हमारे पास पथांतर है और हम जानते हैं कि हमें मैक्सिमम साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है, अधिकतम ध्वनि सुनाई दे रही है। अधिकतम ध्वनि अगर हमें सुनाई दे रही है बच्चों, इसका मतलब जो दोनों तरंगे हैं वो समान कला के अंदर अध्यारोपित हुई होंगी। समान कला के अंदर अगर अध्यारोपित हुई होंगी बच्चों, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? लैम्डा के। उनके बीच में जो पथांतर होता है वो क्या होता है? 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस फॉर्म में होता है, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.14। तो वी जो होता है वो एफ लैम्डा के बराबर है 1.14 × 2, और हमारे को ये दे रखा है 250। ठीक है, ये हमारे को कितना दे रखा है? 250 दे रखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11.4 × 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 × 100 हासिल पाई 10, 25 × 25 और 10 35 और 25 × 3 = 28। तो 285 बच्चों हमारे पास सेकंड ऑप्शन के फॉर्म में करेक्ट आंसर आ जाएगा। 285 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है, क्रमागत निष्पंद और पसपंद के मध्य की दूरी क्या होगी? लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। हम जानते हैं क्रमागत निष्पंद और पसपंद लैम्डा बाई 4 दूरी पर रहते हैं, तो ये हमारे पास में लैम्डा बाई 4 जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 54, एक अपरगामी तरंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कण समान कला में कंपित होते हैं। बिल्कुल असत्य बात है, सभी कण समान कला में कंपित नहीं होते हैं। दो प्रस्पंदों के मध्य क्या सभी कण समान कला में होते हैं? तो बच्चों हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे को यहाँ पर हमारे को दो निष्पंद मिलते हैं, और इसी तरीके से अगर मैं एक और बना लूँ तो बीच में हमारे पास में आते हैं एंटीनोड्स। तो जैसा कि हम देख पाते हैं बच्चों, दो निष्पंदों के मध्य जितने भी कण होते हैं वो समान कला में होते हैं, और दो प्रस्पंदों के मध्य जो कण होते हैं बच्चों, उनमें से आधे कण अगर नीचे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं, अगर ये कण ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कण कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर हम एक निष्पंद की बात करें तो निष्पंद के दोनों ओर के कण, निष्पंद के दोनों ओर के जो कण होते हैं बच्चों, वो हम कह सकते हैं बच्चों कि विपरीत कला में होते हैं। दो प्रस्पंदों के मध्य सभी कण समान कला में होते हैं, तो ये दो हमारे पास प्रस्पंद हैं, ये वाले और ये वाले जो दो प्रस्पंद हैं, इनके बीच के दो सभी कण जो हैं वो समान कला में होते हैं। ये गलत जवाब होगा, क्योंकि दो जो प्रस्पंद हैं, एक प्रस्पंद यहाँ बन रहा है, एक प्रस्पंद यहाँ बन रहा है, इसमें कण अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये नीचे जा रहे हैं, तो दो विपरीत कलाओं में है। तो ये कथन असत्य है, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य सभी कण समान कला में होते हैं। ये दो निष्पंद हैं, इनके मध्य के जो सभी कण होंगे वो समान कला में होंगे, यानी ये हमारा जो है करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है? नहीं, लैम्डा बटे 2 होती है, तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। तो दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य में जितने भी कण हैं वो समान कला में हैं, लेकिन दो प्रस्पंदों के मध्य जो कण हैं उनमें से आधे कण अगर ऊपर जा रहे हैं तो आधे कण नीचे जाएंगे, यानी 180 डिग्री की कला का वो बीच में कालांतर रखते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। मेल्डी के प्रयोग में रस्सी में 0.75 तनाव के साथ 8 लूप उत्पन्न होते हैं, यदि तनाव को 4 गुना बढ़ाया जाए तो लूपों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मेल्डी के प्रयोग से हम जानते हैं बच्चों P√T ये होता है नियत कांस्टेंट। तो P हमें दे रखा है 8√T यानी 0.75। अब की बार हमें लूप बताने हैं, जबकि हमने इसको 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 × 0.75 कर दिया है, ठीक है ना, 4 times कर दिया है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 = P × 4 का ये बाहर निकल आएगा 2, तो P आ जाएंगे 4। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 4, यानी 4 लूप हमें मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। शुष्क वायु और नम वायु में ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो घनत्व होता है वो जो ड्राई एयर होती है हमारे पास में, उसका जो घनत्व होता है वो नम वायु की तुलना में अधिक होता है, और हम जानते हैं कि जो V होता है बच्चों वो हमारे पास में होता है समानुपाती 1/√ρ के। इसका मतलब है कि जो हमने ये अनुपात निकाला है, ठीक इसका उल्टा अनुपात हमें मिलेगा, यानी V इन ह्यूमिड एयर विल बी ग्रेटर देन V इन ड्राई एयर।
तो यानी अगर मैं इनके अनुपात की बात करूँ, अनुपात हमसे पूछा है ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर का, तो ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर का जो अनुपात होगा बच्चों, इट शुड बी लेस देन वन। तो ये जो भी अनुपात आएगा हमारे पास, वी ड्राई डिवाइड बाय वी ह्यूमिड, तो क्योंकि ह्यूमिड एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए लेस देन वन आएगा हमारे पास में। तो इसका मतलब है कि ये जो अनुपात है हमारे पास में लेस देन वन, यानी एक ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में दो तरंगों के व्यवधानों को समय के साथ प्रदर्शित किया गया, इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों जो तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है ए स्क्वायर एफ स्क्वायर के। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहली जो हमारे पास तरंग है, ये जो फर्म लाइन से हमने बना रखी है वो फर्स्ट तरंग है हमारी। तो जो पहली तरंग है उसका आयाम है ए, ये फर्स्ट तरंग के लिए लिख देते हैं, इसका आयाम जो है वो है ए। और इसकी जो आवृत्ति है वो हम देख सकते हैं, अगर हम दूसरी वाली तरंग की आवृत्ति अगर हम एफ मान लें, दूसरी वाली तरंग की आवृत्ति आयाम दे रखा है 2a, अगर दूसरी तरंग की आवृत्ति अगर हम एफ मान लें तो पहली वाली तरंग की आवृत्ति जो है वो है 2f, क्योंकि इसका जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है दूसरी तरंग का, तो पहली वाली तरंग के 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गए होते हैं, इसका मतलब है 2f इसकी आवृत्ति है। हमें इनका अनुपात बताना है, अनुपात अगर मैं इनका बताऊंगा तो ये इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल होकर के कितना बच जाएगा हमारे पास में, 1:1, 1:1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, 114 सेंटीमीटर लंबाई के खींचे हुए तार को 3 भागों में विभक्त किया गया, इनकी आवृत्तियों के अनुपात 1:3:4 है, तो इनके लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हमें दे रखा है बच्चों, इनकी आवृत्तियों का अनुपात यानी F1 समानुपाती F2 समानुपाती F3, ये हमें दे रखा है बच्चों 1:3:4। और हम जानते हैं कि जो F होता है वो समानुपाती होता है 1/L के, यानी कि जो अगर हम L1 L2 L3 की बात करें तो इनके अब अनुपात इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे, यानी 1:1:3:1:4। इसको अगर मैं 12 से गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 12:4:3। तो भागों की लंबाइयाँ निकालते हैं बच्चों, टोटल 114 सेंटीमीटर की है, तो 12 और 4 16 और 3 19, यानी पहला भाग जो होगा 12/19 इंटू 114 का होगा, यानी 19 छक्का 114, तो ये होगा 72 सेंटीमीटर का। और दूसरा इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो 4/19, तो 6 चौक 24, यानी ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों हमारे को करेक्ट दिखाई देगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव अलॉन्ग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों इसका पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो मैं इसका जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा, यानी जब मुझे वी मिलेगा पार्टिकल का वी, तो वो कितना मिलेगा 2, और यहाँ पर देखिए 6 पाई, 2 पाई इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई कॉस 2π 3t-x प्लस π/4। ऐसे ही मैं एक और बार जब किसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा dv/dt, तब मुझे जाके मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिलेगा 2 × 6π, और एक और बार 6π कॉस का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक माइनस मिलेगा, और यहाँ मिलेगा साइन, और अंदर आ जाएगा 2π 3t-x प्लस π/4। तो ये मिलके कितना हो गया बच्चों, -72π² -72π² और यहाँ पर मेरे को वैल्यू रखनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो रखते हैं 2π, यहाँ पर हमें रखना है टी बराबर 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 - x की जगह बच्चों हमें कितना रखना है 4 प्लस π/4, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों -72π² और ये कितना बन जाएगा -1, तो -2π प्लस π/4। अगर मैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 72π²
साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, साइन चेंज होता नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। अंडर रूट 2 को मैं अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 36√2π² तो ये जो ऑप्शन है बच्चों −36√2π² ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अंडर रूट 2 को जैसे ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये आपको अवश्य आता होगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे तो ये 36 बच जाएगा, 36√2 बच जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन के रूप में करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड, खुले पाइप की न्यूनतम लंबाई जो 166 हर्ट्ज़ के स्वरित्र के साथ अनुनादित होती है। तो न्यूनतम लंबाई की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो 166 हर्ट्ज़ के स्वरित्र के साथ अनुनादित होती है वो कितनी होगी? तो एक खुले ऑर्गन पाइप के लिए हम कह सकते हैं बच्चों, कि ये जो दूरी होगी हमारे पास में वो होगी λ/2, जो कि इसके L के बराबर होगी। तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 2L। तो अनुनादित होने का मतलब F बराबर, और यहाँ पर F कितना होता है? V/λ, 332/λ, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे हम 2L। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 2। L का मान कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं बच्चों। एक खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 300 हर्ट्ज़ है। इस पाइप का प्रथम अधिस्वर एक ऑर्गन बंद ऑर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वर के समान है। बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या होगी? तो जैसा हमें देखा है, खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी है बच्चों? 300 हर्ट्ज़। तो हम जानते हैं मूल आवृत्ति खुले ऑर्गन पाइप की होती है V/2L। ये दी हुई है 300, तो यहाँ से V/L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 600। अब हमें दिया हुआ है कि इस पाइप का प्रथम अधिस्वर, यानी प्रथम अधिस्वर का मतलब V/L, खुले ऑर्गन पाइप के लिए 2V/2L होता है प्रथम अधिस्वर के लिए। तो ये हमारे को दिया हुआ है बंद ऑर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वर के समान है, यानी 3V/4L। अब ये बंद ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं तो मैं इसको LC कर देता हूँ। तो V/L की वैल्यू कितनी रख सकते हैं बच्चों? 600 बराबर 3। V की वैल्यू हमारे को दे रखी है 328/4LC। ये हो गया बच्चों 200, और LC हमारे पास में कितना आ जाएगा? 328/800। और ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी 0.41, जो कि लगभग होती है 41 सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 है, 56 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक स्वरित्र अपने ठीक पूर्व में स्वरित्र के साथ 4 व्युत्पन्न प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की 3 गुनी है, तो प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति कितनी होगी ये हमसे पूछी है। तो अगर हमारे पास ये पहला स्वरित्र है बच्चों, इसकी आवृत्ति अगर एफ है, तो दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी होगी? F+4, या इसको मैं लिख देता हूँ F+4×1। तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी होगी हमारे पास में? ये पहला स्वरित्र, ये दूसरा स्वरित्र, ये तीसरा स्वरित्र, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी F+4×2। देखो ये इसमें से माइनस करूँगा तो 4 आएगा, F+8 में से F+4 माइनस करूँगा तो फिर 4 आएगा, और ऐसे करते 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 अगर मैं 56वें स्वरित्र की बात करूँगा तो कितना आएगा? देखो जब तीसरा था तो 4 का 2 के साथ गुणा हुआ है, दूसरा था तो 4 के साथ 1 गुणा हुआ है, तो 56वां होगा, तो 4 के साथ कितना गुणा होगा? 55 का। ठीक है, और इसकी आवृत्ति जो दे रखी है वो हमारे को दे रखी है पहले की आवृत्ति की 3 गुना, यानी F+4×55, ये कितना होगा? 3F के बराबर। तो 2F बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? 220 के। F कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 110 हर्ट्ज़। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हमारा आंसर है बच्चों 63। द टर्म पिच क्वालिटी एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली। ध्वनि का तारत्व बच्चों आवृत्ति पर निर्भर करता है, गुणता तरंग आकार पर, और प्रबलता तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक स्वरमापी के तार को 1 किलोग्राम द्रव्यमान से लटकाकर एक स्वरित्र के साथ अनादित किया जाता है। यदि इस व्यवस्था को चंद्रमा पर ले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण जहां पर 1/6 गुना हो, पृथ्वी का 1/6 गुना हो, तो अनुनाद उत्पन्न करने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारे पास में एफ होता है वो किसके समानुपाती होता है, अंडर रूट टी के समानुपाती होता है, या यूं कहें कि अंडर रूट एम जी के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हमें कहा है कि अनुनाद उत्पन्न करना है हमारे को, एक स्वरित्र के साथ अनुनादित किया है, यानी अनुनाद उत्पन्न करना है, मतलब जितनी आवृत्ति हमारे को पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है उतनी आवृत्ति में चंद्रमा पर भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका मतलब पृथ्वी के लिए अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट एम जी, तो चंद्रमा के लिए मैं क्या लिखूंगा, नया द्रव्यमान एम डैश इंटू जी बाई सिक्स, कितना लिखूंगा, अंडर रूट एम जी बाई सिक्स। ये चंद्रमा के लिए आवृत्तियां दोनों समान होनी चाहिए, आवृत्ति अंडर रूट टी के समानुपाती है, अंडर रूट एम जी के समानुपाती है, आवृत्तियां समान होनी चाहिए मतलब अंडर रूट टी भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर एम हमारे पास में जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एम डैश बाई सिक्स। तो एम डैश यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, एम डैश आ जाएगा हमारे पास 6m, और m की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1 किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 kg। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बच्चों वो इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक वाहन जिसकी आवृत्ति n है, हॉर्न बजाता है, वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चालते एक सरल रेखा की लंबवत गति कर रहा है जो प्रेक्षक और वाहन को जोड़ती है। यदि प्रेक्षक ध्वनि की तीव्र जो आवृत्ति है वो n+n पर प्रेक्षित करता है, तो इनमें से n1 का सही मान क्या है। तो n1 बच्चों क्या है हमारे पास में, वो बढ़ी हुई आवृत्ति है जो आभासी आवृत्ति के रूप में प्रेक्षित होनी चाहिए, क्योंकि n आवृत्ति का तो हॉर्न वो बजा ही रहा है। तो हम जान जैसा कि हमें दिया हुआ है कि एक वाहन जो है वो एक सरल रेखा के लंबवत गति कर रहा है जो प्रेक्षक और वाहन को जोड़ती है। इसका मतलब है प्रेक्षक और वाहन को, यानी ऑब्जर्वर को और व्हीकल यानी जो सोर्स है उसको जोड़ने वाली रेखा के लंबवत जो है हमारा जो वाहन है वो गति कर रहा है। तो इसका मतलब है इस दिशा के अंदर कोई भी डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि डॉपलर प्रभाव हमेशा स्रोत और प्रेक्षक को जोड़ने वाली लाइन के रेखा के अनुदिश ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है हमें जो n आवृत्ति है वही सुनाई देगी, और वो तभी हो सकता है जब n1 कितना हो जाए, 0। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। एक प्रेक्षक एक स्थिर स्रोत की ओर वायु में ध्वनि की चाल 1/5 चाल से गतिमान है, आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो एक प्रेक्षक है वो एक स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है, तो हम कर देते हैं इसको प्रेक्षक और ये स्रोत, इससे सी चाल की जो ध्वनि है वो इधर की साइड में गतिमान है, और जैसा कि मैंने देखा एक प्रेक्षक स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है, यानी ये V/5 से या C/5 से चल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि F डैश जो है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, FC+C/5/C। तो F डैश बाय F ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5, तो यहाँ पे भी एक माइनस कर दिया, यहाँ पर भी एक माइनस कर दिया, तो ये ऊपर कितना बन गया F डैश माइनस F यानी डेल्टा F, और नीचे बन गया F, इसको 100 से गुणा कर दिया, ये कितना बन गया 6-5/5, और इसको भी 100 से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिशत आवृत्ति में परिवर्तन, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 × 100, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में ये 20%। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर दे रखा है, अ सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द सोर्स इज मूविंग विद स्पीड 19.4 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमारे को 19.4 मीटर पर सेकेंड। एट एन एंगल 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन एज शोन इन द फिगर, 60 डिग्री के कोण पर स्रोत तथा प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा से 60 डिग्री के कोण पर चल रहा है, यानी इस दिशा में चल रहा है। प्रेक्षक हमारा विश्राम में है, रेस्ट पर है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी है कि कितनी मिलेगी है। ठीक है ना, तो कितनी मिलेगी, तो इसका हम घटक ले लेंगे इस तरफ VS cos 60, क्योंकि डॉपलर प्रभाव केवल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही प्रेक्षित होगा। अब हमारा सोर्स जो है वो मूवमेंट में है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास में आभासी आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, जैसा कि हमें दिया हुआ 100 हर्ट्ज है,
तो c बटे दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो c माइनस वी एस कॉस 60, वी एस हमारे को दे रखा है 19.4, कॉस 60 मतलब 1/2, तो एफ डैश हमारे पास कितना आ जाएगा 100, सी हमारे को दिया हुआ 330 बटे 330 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 9.7, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 103 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 103 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे को दे रखा है, अ सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ एट अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्थिर प्रेक्षक से दूर एक चट्टान की ओर जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, जब प्रेक्षक द्वारा चट्टान से प्रवर्तित प्रतिध्वनि की आवृत्ति प्रेक्षित होगी, प्रेक्षक को कितनी आवृत्ति प्रेक्षित होगी। तो हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है बच्चों, ये चट्टान है क्लिफ। अब हमसे कहा है कि एक स्रोत है, ये यहां से हमने स्रोत ले लिया, ये इस ओर गतिमान है, ये सी इसका ध्वनि की चाल है, ठीक है। तो इसको कितनी प्रेक्षित होगी, ये स्थिर है। तो पहले ही देखते हैं, इसको मैं एक वर्चुअल ऑब्जर्वर मान लेता हूँ, इसको एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करता हूँ और हम देखते हैं कि इसको कितनी प्राप्त होगी, क्योंकि यही बाद में प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगा। तो देख सकते हैं स्रोत इस तरफ गतिमान है हमारा, तो एफ डैश कितना हो जाएगा हमारे पास में, एफ सी अपॉन सी कितना है हमारे पास 330 अपॉन 330 माइनस और कितनी चाल से 15, तो 800 × 330 / 315। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है करीब 838। तो इतनी आवृत्ति जो है इसको प्राप्त हो रही है। अब ये स्थिर है, ये अब स्रोत की तरह काम करेगा, ये उतनी आवृत्ति इको के फॉर्म में वापस क्या करेगा, इको की फॉर्म में वापस परावर्तित करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। ये भी स्थिर, ये भी स्थिर, तो किसी भी प्रकार की अब आभासी आवृत्ति प्रतीत नहीं होगी। जो आवृत्ति ये उत्पन्न कर रहा है वही आवृत्ति इसको सुनाई देगी, और जो चट्टान है वो कितनी आवृत्ति प्रेक्षित कर रही है हमारे को, ये प्रेषित कर रही है 838। तो हमारे पास 838 जो है सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एन आवृत्ति से गाता है और बी ए की 1/8 आवृत्ति से गाता है, तो दोनों तरंगों की अगर ऊर्जाएं समान हो तो ए का आयाम ए हो तो बी का आयाम क्या होगा। तो ऊर्जाएं समान है, E1 = E2, हम जानते हैं ये A²F² के समानुपाती होती है, तो A1F1² = A2F2² तो ए पहले वाले का जो ए है, ए का आयाम जो है वो ए है, और आवृत्ति मैं मान लेता हूँ ए की जैसे दी हुई है हमारे को N² है। बी का आयाम यानी A2² मेरे को निकालना है, और एफ टू दे रखा है ए की 1/8 आवृत्ति यानी N/8 से ये गाता है। दोनों तरफ मैं अंडरवुड ले लेता हूँ बच्चों, तो ये बचेगा ए एन और ये बनेगा हमारे पास में A2 × N/8, तो एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए टू का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 8A। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं बच्चों। दो ध्वनि तरंगों के मध्य का कालांतर 60 डिग्री है, तो उनके मध्य पथांतर कितना होगा, हम जानते हैं बच्चों जो डेल्टा एक्स हमारे पास में होता है वो कितना होता है λ/2π, और 60 डिग्री को मैंने रेडियन में परिवर्तित कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, λ/6 जो है वो हमारे को इसका करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, 71 नंबर देखते हैं बच्चों। अब किस ताप पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि का वेग नाइट्रोजन गैस में 15 डिग्री सेल्सियस के ताप के समान होगा, तो हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में गैस है वो दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायटोमिक गैसेस हैं हमारे पास में, यानी गामा की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, एक समान होगी। तो V1 = V2 हमें करना है, पहला जो हमारे पास हो जाएगा √RT/m, तो हम पहले नाइट्रोजन के लिए ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस में 15 डिग्री सेल्सियस, तो T हमारे पास में हो जाएगा 273 + 15 यानी 288, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए 28, ऑक्सीजन के लिए हमारे को वो तापमान ज्ञात करना है, और ये हमारे पास में आ जाता है बच्चों, ये हमारे पास में आ जाएगा 32, तो 288/28, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, तो T की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी,
288 इंटू 8 बाय 7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, हम जब कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आती है 329 केल्विन। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा डिग्री सेल्सियस में तो 273 में से माइनस कर दूंगा, 273 में से माइनस करते ही ये जो ऑप्शन है 56 डिग्री सेल्सियस वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही मैं इसको 273 इस वैल्यू में से 273 माइनस करूंगा तो 56 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद ऑर्गन पाइप तृतीय अधिश वर्ग में कंपनशील है तो प्रेक्षित होता है। तो बंद ऑर्गन पाइप बनाते हैं बच्चों और तीसरी इसमें अधिश वर्ग बनाते हैं, तो एक दो और ये तीन ऐसे यहाँ बना देते हैं, एक दो और ये तीन, चार बन गए। तृतीय अधिश वर्ग में कंपनशील है तो इसको हम तीन कर देते हैं, यहाँ से हम इसको तीन कर देते हैं, ये तीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड और यहाँ पर नोड, ठीक है। तो गिन लीजिए, एक दो तीन चार, चार हमारे पास में क्या एंटीनोड है और एक दो तीन चार, और चार ही हमारे पास में क्या है नोड्स हैं, तो फोर नोड्स एंड फोर एंटीनोड्स, हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर एंड 1.01 मीटर इन अ गैस प्रोड्यूस 10 बीट्स इन 3 सेकंड्स, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस इज। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों हम, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि 10 बीट्स इन 3 सेकंड्स हमारे को मिल रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने बीट मिलेंगे यानी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 10/3। तो डेल्टा एफ हमारे पास में बच्चों आ गया 10/3, ठीक है। तो हमारे पास में F1 माइनस F2 अगर हम करें तो कितना मिलेगा हमें, F1 माइनस F2 C बाय लैम्डा, ये लैम्डा में दे रखा है, माइनस C बाय 1.01, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा F यानी 10/3। तो C हमने कॉमन ले लिया, LCM ले लिया हमने 1.01, हमारे पास आ गया 1.01 माइनस 1, तो C इंटू 1/101 आ गया, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 10/3। तो हमारे पास यहाँ से C कितना आ गया, 1010/3। ये आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं बच्चों तो 337 के करीब हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आगे करते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 74। एक 3 मीटर लंबाई की रस्सी दो धड़ाधारों से बंधी है, यदि 3 लूपों में कंपित है तो क्रमागत निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी। एक 3 मीटर लंबाई की रस्सी है ऐसे करके बंधी हुई है, इसमें 3 लूप बन रहे हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है, 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 मीटर की है ये, एक लूप के बीच की लंबाई होती है λ/2, तो 3 लूप की हो गई 3λ/2, ये 3 मीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2। हमसे पूछा है क्रमागत निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी, यानी हम कह सकते हैं λ/4 होती है ये, λ/4 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2/4 यानी हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। वायु में उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य 0.6 सेंटीमीटर है, इसकी चाल है 300 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तरंग कौन सी होगी। तो पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वी बाई लेमडा, 300/0.6 × 10^2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 × 10^2 यानी हमारे पास आ जाएगा 50,000, ये हमारे पास आ जाएगा 56 आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास 10^3, ओके। इसको हम हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10^2 और 0.6 हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 हर्ट्स, ठीक है। तो 50,000 हर्ट्स का मतलब कितना हो गया बच्चों, कि हम जानते हैं 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक हमें ऑडिबल रेंज सुनाई देती है, उससे पहले जो होती है वो इन्फ्रा होती है और उससे बाद जो होती है वो अल्ट्रा होती है। तो हमारे को अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं 20,000 से ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो अल्ट्रासोनिक
वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को सुनाई देगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अ बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स विच आर नॉट ऑडिबल और इनऑडिबल। साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मून सर्फेस। साउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द अर्थ एटमोसफियर। तो वी नो दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। इस वजह से हमारे को साउंड के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और चंद्रमा पर मून के ऊपर मीडियम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमें नहीं सुनाई देती हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 77 पे देखते हैं, तो हम ये देखते हैं साउंड वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम इन, हमारे को चार गैसेस दे रखी हैं। हम जानते हैं बच्चों कि वी जो होता है ये सभी की सभी गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये सभी डायटोमिक गैस हैं और ये वाली गैस जो है वो ट्राईटोमिक है, बट ये लीनियर ट्राईटोमिक गैस है, तो इसके लिए भी गामा की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास सेम आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 5 आती है हमारे पास इसके लिए, तो वी जो होगा बच्चों हमारे लिए वो होगा रूट ऑफ, ये होता है हमारे पास गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, बाकी टर्म्स आर कॉन्स्टेंट, सो वी कैन से वी विल बी प्रपोर्शनल टू 1 बाई रूट एम डब्ल्यू। तो जिसका एम डब्ल्यू सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। इसमें इसके लिए दो हम कह सकते हैं इसका मॉलिकुलर वेट होगा, तो इस वजह से साउंड वेव्स की वेलोसिटी मैक्सिमम इसमें होगी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। वायु में ध्वनि संचरण का जो प्रक्रम होता है हम जानते हैं, लाप्लास ने न्यूटन के जो लॉ थे, न्यूटन ने जो कहा था कि साउंड वेव्स जो हैं वो जब मूवमेंट करती हैं तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लाप्लास ने ये चेंज कर दिया था और उन्होंने बताया था कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है जब साउंड वेव किसी एयर मीडियम में मूवमेंट करती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 79। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस के ताप की दुगनी हो जाएगी, है ना। तो इसको करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल किस ताप पर दुगनी हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ले लिया, और हमें ये करनी है 2V, दुगनी करनी है, और वो ताप पूछा है हमसे, तो ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1/2 किसके बराबर आ गया, 273/T के अंडर रूट के, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 1/4 बराबर 273/T, तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1092 केल्विन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 1092 केल्विन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 80 पर। टू ट्यूनिंग फोक्स हैव फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज़ एंड 454 हर्ट्ज़ रिस्पेक्टिवली। ऑन साउंडिंग दीज फोक्स टुगेदर द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी। हम जानते हैं दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में हमें जो साउंड इंटेंसिटी मिलती है उसी को हम कहते हैं बीट का टाइम पीरियड। तो बीट का टाइम पीरियड कितना होगा, इट विल बी इनवर्स ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, इनवर्स ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, यानी टी विल बी इक्वल टू 1/∆f। तो जैसा कि हमें दे रखा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा एफ वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी कितना आ जाएगा, 1/4 सेकेंड, ठीक है। आगे चले, ओके, इट इज़ पॉसिबल टू हियर बीट्स फ्रॉम द टू वाइब्रेटिंग सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं बच्चों बीट की फ्रीक्वेंसी हमें तभी ऑब्जर्व होती है जब दो फ्रीक्वेंसी के बीच में लेस देन 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में 50 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है, इनके बीच में 5, तो ये हो सकती है, इनके बीच में 100 का डिफरेंस है, इनके बीच में 500 का डिफरेंस है, तो हम केवल एक इस ऑप्शन के अंदर कह सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी, बाकियों के अंदर हमारे को एक कॉन्स्टेंट साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप इज 100 हर्ट्ज़ एंड अदर टू फ्रीक्वेंसीज आर 300 एंड 500 हर्ट्ज़, देन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप इज क्लोज एट बोथ द एंड्स, ओपन एंड वन एंड ओपन एंड अनदर एंड इज क्लोज, नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं बच्चों अगर ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और हमारे को इसके 3:5 रेशो के अंदर अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है, हार्मोनिक्स मिल रहे हैं 1:3:5 रेशो में, तो ये हमारे पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए होता है, यानी एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, वन एंड इज ओपन एंड अनदर एंड इज क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज 83, डॉपलर प्रभाव में आवृत्ति में आभासी परिवर्तन निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम जानते हैं बच्चों
तरंग पर निर्भर करता है, स्रोत पर निर्भर करता है, प्रेक्षक स्रोत के वेग पर निर्भर करता है, प्रेक्षक के वेग पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है, प्रेक्षक की स्रोत से दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो फोर्थ आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 84, यदि ध्वनि तरंग का दाब आयाम 3 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि तरंग की तीव्रता कितने गुना हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो दाब तरंगे होती हैं उनके लिए जो तीव्रता होती है बच्चों, वो उसका सूत्र होता है डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, जहाँ यह दाब आयाम है 2 रो वी, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। तो यानी यहाँ से आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने क्या कर दिया है, 3 गुना कर दिया है, तो उसका स्क्वायर यानी 9 गुना हमारे को तीव्रता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10^11 और उसका घनत्व हमें दे रखा है 8 × 10^3, तो किसी ध्वनि तरंग को छड़ में 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले अपने वी निकालते हैं बच्चों, कितना आ रहा है, वी होता है अंडर रूट वाई बाई रो किसी सॉलिड के अंदर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेयर वाई इज यंग्स मॉड्यूलस, जो कि हमें दे रखा है 2 × 10^11, और घनत्व जो है वो हमारे को दे रखा है 8 × 10^3, तो ये बच गया 1/2 बच गया यहाँ पे, और ये बच गया 8, तो ये 10^4 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 × 10^4। ठीक है, अब हमारे को निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है बच्चों, 1 मीटर, और चाल कितनी है हमारे पास, 0.5 × 10^4। तो इसको हटाऊंगा तो ये बचेगा 2, और ये ऊपर जाएगा तो 10^-4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। 86, तो ये हमें दे रखा है गिरनियों के मध्य स्थित तार की लंबाई 1.5 मीटर है और द्रव्यमान है 12 ग्राम, और तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल हमें निकालनी है। तो पहले हम म्यू निकाल लेते हैं बच्चों, म्यू कितना है हमारे पास में। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि एम बटे एल म्यू होता है हमारे पास में, एम है 12 ग्राम, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, एल है हमारे पास 1.5। ठीक है, और टेंशन कितनी है इसके अंदर, तो दोनों तरफ 9 किलोग्राम के लगा रखे हैं, तो टेंशन हो जाएगी इसके अंदर 9G। ठीक है, तो V कितना आ जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट T यानी 90/μ, 12 × 10^-3, और ये 1.5 ऊपर चला जाएगा, तो 90/12, और ये 1.5 भी है हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा 90/45, 135/12, और ये चला जाएगा 10^3। ओके, तो इसको अगर मैं 2 × 10 बाहर निकाल देता हूँ, और ये बन जाएगा हमारे पास 1350/12, तो कितना आ गया ये हमारे पास में, 12 × 12 = 1, 12 × 12 = 2, 12 × 2 = 24, तो ये करीब करीब अपने पास में बन रहा है 1.04, 111 के करीब बन रहा है हमारे पास में। ठीक है, 111 × 10, तो हमारे पास में अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी करीब करीब 10.4 × 10। ठीक है, तो इससे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कर सकता हूँ 1.04 × 10^2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin π t/2 − x/4, वेयर t इज इन सेकंड एंड x इज इन मीटर, और ये हमारे को दे रखा है बच्चों कि देन द डिस्टेंस थ्रू विच द वेव मूव इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ये मीटर में मूव कर जाएगी। तो हमें सबसे पहले इसकी वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। वेलोसिटी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, कोफिशेंट ऑफ टी 1/2, कोफिशेंट ऑफ एक्स इज 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और 8 सेकंड में हमें दूरी तय करनी है
एक्स बराबर वी टी, तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 16। ठीक है, चले आगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 88। यदि दो स्वरित्र ए तथा बी एक साथ ध्वनित करने पर चार विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं, यदि ए स्वरित्र पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाए तो ये ध्वनित करने पर दो विस्पंद प्रति सेकंड देते हैं, यदि ए की वास्तविक आवृत्ति अगर 256 हर्ट्ज हो तो बी की आवृत्ति कितनी होगी, ये हमें पता करनी है। तो बच्चों जैसा कि हमें दे रखा है कि ए की आवृत्ति जो है वो है 256 हर्ट्ज, तो बी जो है उसके साथ ध्वनित करने पर ये चार विस्पन देता है, यानी जो बी की आवृत्ति है या तो 252 हो सकती है या 260 हो सकती है। ठीक है, ये बी की आवृत्ति है। अब हमें कहा कि ए की भुजा पर हमने थोड़ा सा मोम लगा दिया, थोड़ा सा मोम लगा दिया मतलब इसकी थोड़ी सी आवृत्ति कम हो जाएगी। मान लो इसकी आवृत्ति कम होकर हो गई 254। अब मैं इसके साथ ध्वनित करता हूँ 260 वाले को मानते हुए कि बी की आवृत्ति अगर मान लो 260 है, तो मुझे 6 विस्पन मिल रहे हैं जबकि मुझे मिलने कितने चाहिए 2। तो मैं एक बार इसके साथ चेक करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि जैसे ही मैं 254 के साथ इसको ध्वनित करता हूँ तो मुझे 2 विस्पन मिल रहे हैं, यानी करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हमारा 252 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 89। जब ध्वनि तरंगे जल से वायु में संचरित होती हैं तब क्या होता है? तो भाई बच्चों जब ध्वनि तरंगे एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों के अंदर ये स्पेशल गुण होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 89 वाले का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, तो ये एक दीवार की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, यदि एक स्थिर प्रेक्षक स्वरित्र तथा दीवार के मध्य खड़ा है तो उसे कितने विस्पंद सुनाई देंगे? तो एक स्वरित्र की आवृत्ति जो है बच्चों वो है, ये हमारा स्रोत है, इसकी 256 हर्ट्ज है और दीवार जो है उसकी ओर गतिशील है ये 5 मीटर प्रति सेकंड से। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है इनके बीच में। ठीक है, तो हमें ये बताना है यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो इसे कितने ऑब्जर्वर को कितने विस्पंद सुनाई देंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ऑब्जर्वर की, तो इसको कितने विस्पंद सुनाई देंगे? स्रोत इसकी तरफ आ रहा है, सी इसकी तरफ है, तो मैं कहूँगा इसको आवृत्ति सुनाई देगी एफ नॉट सी बाय सी माइनस वी एस। अब एक आवृत्ति इसको प्रतिध्वनि के फलस्वरूप सुनाई देगी, प्रतिध्वनि कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो इसको मैं एक वर्चुअल ऑब्जर्वर मानते हुए देखता हूँ कि इसको कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो इसके लिए अगर मैं देखता हूँ तो स्रोत इसके लिए भी इस तरफ आ रहा है, तो सी बाय सी माइनस वी एस। अब जितनी इसको ये इसके पास में ध्वनि आएगी सेम उतनी ही आवृत्ति की ध्वनि वापिस कर देगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये दोनों ही स्थिर हैं तो कोई भी डॉपलर प्रभाव अब इस स्थिति में नहीं होगा, यानी इस F2 का मान जो होगा वो कितना होगा? वही होगा जो ये इसको मिल रही थी, क्लिफ को मिल रही थी, हमारे पास चट्टान को मिल रही थी। ठीक है, दीवार कह सकते हैं, दीवार को मिल रही थी। तो अगर मैं डेल्टा F का मान बच्चों निकालूंगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि F1 और F2 दोनों के मान बिल्कुल समान हैं, इसलिए डेल्टा F कितना मिलेगा? 0। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे इको फिजिक्स के 7 नंबर टेस्ट के सॉल्यूशन। सो